तरीके से बातचीत नहीं करता। ना ना पहले कोई हमें पता नहीं था उसका क्या क्या पता क्या क्या रेंजेस इसके पास। हम भी तो जाते थे वहां पे सिर्फ मैंने क्या था हमारा भी कड़क। सड़क के उस तरफ अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये सलून है, ये देखिए, ये जो है जिसको आधा आपको दिखाएगा, आधा जो है वो ढक दिया गया है और अंदर आपको पूरा खाली दिखेगा, साफ किया गया है। लोगों ने यहाँ पे तोड़फोड़ की थी, गुस्साए लोग थे, अंदर आपको टूटा हुआ नजर आएगा। ये सलून है, आप समझिए कि सड़क के इस तरफ ये एक छोटा सा सलून था जिसमें जावेद और उसका भाई जो है वो यहाँ पर साजिद काम करता था। और इसके अगर आप बाहर निकलेंगे और सड़क के दूसरी तरफ आएंगे, अगर मैं दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाऊं तो रोड के ठीक सामने ये जो घर आपको दिख रहा है जिसके ऊपर संगीता ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा है, जो जो बच्चे हैं उनकी माँ है, ये उन बच्चों का घर है। यानी कि महज आप कह सकते हैं कि 25 से 30 कदमों की दूरी पे ही जो आरोपी है वो रहता था, वो काम करता था और सामने ही जो है वो परिवार वालों का घर है, विक्टिम का घर है। यहां से शाम को 6:30 के आसपास जो साजिद और जावेद हैं वो बाहर निकलते हैं और इसी घर में इसी रास्ते से ऊपर की तरफ जाते हैं। यहां से जब वो आगे पहुंचते हैं तो गेट के ऊपर वो कहते हैं कि साजिद जो है वो बताता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उसे 5,000 रुपये की जरूरत है, ऐसे में उसे 5,000 रुपये दिए जाए। जो माँ है बच्चों की वो अपने पति से कंफर्म करती है, पूछती है क्या करना है, पति कहता है कि दे दीजिए मैं आता हूँ। वो कहता है कि मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा साजिद, और ऊपर जाकर इसी घर में देखिए आपको नजर आएगा इंतजार करता है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसे ही जो पत्नी है वो नीचे आती है तो वो एक छोटे बच्चे को जो कि उनका सबसे छोटा बेटा होता है उसको कहता है कि बेटा पानी लेकर आओ। वो पानी लेने जाता है तो वो ऊपर थर्ड फ्लोर के ऊपर जो है वो भाग जाता है साजिद। जब बच्चा पहुंचता है थर्ड फ्लोर पे तो ताबड़तोड़ उसके ऊपर जो है वो अटैक करता है और वहां छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। बड़ा भाई भी वहां पहुंचता है, बड़े भाई पे भी अटैक होता है। जावेद इस पूरे एपिसोड की वो कड़ी है जो परत दर परत इस पूरी कहानी को खोलेगा, क्योंकि साजिद तो ढेर हो चुका है। जो सवाल पुलिस के सामने थे, जिन सवालों के जवाब तराशने थे, वो सवाल तभी शायद मिल पाएंगे जब जावेद पकड़ा जाएगा। और यही कारण है कि जावेद को पकड़ने के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। खुद सिटी एसपी AK श्रीवास्तव मॉनिटर कर रहे हैं। पिछली रात भी जब इनकाउंटर हुआ था तो इनकाउंटर वाली टीम को लीड करने वाले वही सिटी एसपी AK श्रीवास्तव से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जांच चल रही है, अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जो प्राइमा फेसी दिख रहा है, जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये कई सवालों को खड़ा करता है। अगर ये पारिवारिक रंजिश थी, अगर आपसी विवाद था, तो आखिर बच्चों पे अटैक क्यों किया गया, बच्चों को टारगेट क्यों किया गया? बात कह के गया था कि 5,000 रुपए चाहिए और इसके साथ साथ ये कहा था कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है साजिद ने। जावेद बाहर खड़ा था जो परिवार आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में ये बात कह के अंदर जाना और उसके बाद इस तरीके से दो बच्चों की हत्या कर देना, आखिर ये कहां तक जो है वो पारिवारिक रंजिश को जस्टिफाई करता है? यही सवाल है कि बार बार पुलिस भी इस बात की जांच कर रही है और जवाब तो जावेद को ही देना पड़ेगा। जब तक जावेद नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक कड़ियां जो है इस पूरे केस की वो पूरे तरीके से नहीं खुल पाएंगी। पुलिस का कहना है वो जांच कर रहे हैं, पुलिसिया जांच चलती रहेगी, लेकिन लोगों का यही सवाल है कि आखिर इस तरीके से इस निर्मम हत्या को अंजाम कैसे दिया जा सकता है? पारिवारिक रंजिश भी इस तरीके से किसी हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकती। 8 साल से यहां पर दुकान चलाता था जावेद और साजिद, ऐसा नहीं है कि नया नया आया था या फिर तुरंत ही उसने कुछ प्लान कर दिया हो। 8 साल से यहां दुकान चलाता था, आस पड़ोस के सारे लोग जाते थे अंदर, वहां हजामत जो है वो अपनी बनवाते थे। ऐसा भी नहीं था कि लोग एक दूसरे से अनजान थे। घर के सामने ही जहां मौजूद है, ये देखिए, ये जो है वो घर है और ऊपर अगर आप देखेंगे तो वो ब्यूटी पार्लर है जहां पर जो विक्टिम है, जो बच्चे हैं, उनकी माँ चलाती थी। ऐसे में यहां से वो इधर दूसरी तरफ आता है 6:30 के आसपास शाम में और ये कहता है कि मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, यानी कि जरूरत के नाम पर वो आता है। ऐसा भी नहीं था कि लड़ाई झगड़ा था और कोई रंजिश थी, डांटा या फिर गाली गलौज की या फिर कोई लड़ाई किया। पारिवारिक जो है वो पैसों के लिए आया था, वो कह रहा था कि 5,000 रुपए की जरूरत है। जब उनकी मां ने संगीता ने कहा कि आप कुछ देर इंतजार कीजिए मैं बात कर रही हूं, तो दोनों बच्चों से उसने पानी मंगवाई। अब समझिए इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को, पहले पानी मंगवाया गया, जब बच्चे नीचे पानी लाने के लिए गए तो एक बच्चे की वहां पर हत्या कर दी गई, जब दूसरा बच्चा पानी लेकर पहुंचा तो उसकी हत्या कर दी गई, जब वो मंझला बेटा जो था इनका वो चीख सुनकर अपने भाइयों के ऊपर पहुंचता है तो उसके ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की जाती है, उसका मुंह दबाया जाता है। वो बच्चा चीख चीख कर बता रहा है कि मैं तो बच गया क्योंकि नीचे शीशा गिरा हुआ था और उसका जो पैर है वो शीशे पे जो कांच है उसके ऊपर चला गया था, यही कारण था कि मैं भाग के नीचे आया, वरना शायद वो भी नहीं बच पाता। उस
बच्चे के भी अंगूठे और सर में चोट है, तो क्या पूरे तरीके से साजिद ये प्लान करके आया था कि तीनों बच्चों को मारना है? यही कारण है कि बार बार हम हो या पुलिस हो लगातार इस बात को उठा रहे हैं, सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर मेन मोटिव क्या था। जो शुरुआत जांच में निकल रहा है, पैसों का लेन देन, पारिवारिक विवाद, ऐसा कुछ ये प्राइमा फेसे इस पूरे केस में नजर होता हुआ नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। कितने साल से दुकान चलाते थे ये लोग यहाँ पे? कितने साल से दुकान? ये बहुत 8-10 साल हो गए। 8-10 साल से। कभी आप लोग को इस पे शक हुआ कि इस तरीके से ये करेगा? इस तरीके से शक नहीं हुआ, हम भी तो जाते थे वहाँ पे, सिर्फ मैंने क्या था, हमारा भी कर। अब आपको लग रहा है कि आपके ऊपर भी अटैक हो सकता था? पहले कभी इस तरीके से बातचीत नहीं करता? ना, पहले कोई हमें पता नहीं था इसके क्या क्या पता, क्या रेंजेस इसके पास, हमें क्या पता था। और ये ऐसे आराम से बात करता था ये? हाँ, आराम से बात करता था, बिल्कुल। आप लोगों ने कभी देखा था इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हुए? नहीं, मैं तो यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ, वहाँ पे बदायूं में गोपी चौक के पास रहता हूँ। मुझे तो जब पता चला तो रात बहुत बुरा लगा, ये गलत हुआ है। हम तो अभी देखने आए।